अजय भट्ट साहब, उत्तराखंड नैनीताल उधम सिंहपुर से सांसद, आप अपना प्लीज विचार रखिए। सभी पूज्य संत समाज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और सभी राम भक्त हमारे सांसद महोदयान और अन्य जितने भी विद्वान इसमें हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। और नमो मंत्र ऐप के माध्यम से इस बार जो डिजिटल रामलीला दिखाई जा रही है, पूरे नमो मंत्र ऐप परिवार को भी मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं कि आप इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने लोकल को वोकल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है और जिस पर लगातार काम चल रहा है, इस पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया था और हम लोग आपकी प्रेरणा से काफी लोगों को उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सुदूरवर्ती क्षेत्र कपकोट में लगभग 10 लाख की कीमत से एक बहुत बड़ी बेकरी लग रही है जो नमो मंत्र के तहत लग रही है, उसको मैं स्वयं देखने भी जाऊंगा, शुभारंभ भी कराऊंगा। आपके कार्यक्रम जितने भी हैं बहुत प्रेरणादायक हैं और हृदय को छूते हैं, समाज को आगे ले जाने का और एकजुट करने का काम करते हैं, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भरते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने पुनः हम सबको एक मंच पर जोड़ा है। हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी और सांसद बंधु और पूज्य संत समाज, सब आज आध्यात्मिक जगत और राजनीतिक जगत के लोग और सब विद्वजन एक मंच पर आए हैं। राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि कितना बड़ा मंत्र है। मैं जब 96 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए जा रहा था चुनने के लिए, मुझे टिकट मिल गया बिना मांगे, तो मैं एक महाराज जी हैं मेरे क्षेत्र में, मौन धारण किए रहते हैं, उनको मौनी महाराज कहते हैं, मैं उनके पास आशीर्वाद लेने गया। तो मैंने उनसे कहा, महाराज मैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही हार गया। उन्होंने स्लेट पर लिख के दिया क्यों। मैंने कहा कि 13 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हो रहा है और 13 तारीख को बड़ा शुभ नहीं मानते हम भाजपा वाले। तो उन्होंने कहा कौन कहता है, पढ़ो। उनके पीछे लिखा हुआ था दीवार पर, जहां बैठे थे वो पीछे की दीवार पर, श्री राम जय जय राम। उन्होंने कहा गिनो, तो उसमें गिना मैंने, तो उसमें था श्री राम जय जय राम। आप भी गिन लीजिए, जय जय नहीं जय जय, तो 13 शब्द थे। उन्होंने कहा ये तो सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, उठते बैठते जागते सोते, ये तो बहुत बड़ा आत्मबल देता है और आपकी मनोकामनाएं जो अच्छी हैं उनको पूर्ति करता है, आरोग्य निरोग्य बनाता है, आपको आपको समाज के प्रति समर्पित करता है। तो कोई सवाल ही नहीं होता है किसने कह दिया कि 13 का अंक आपके लिए अशुद्ध है। देखिए ये 13 शब्द हैं, मैंने देखा वास्तव में 13 शब्द थे और मैं चुनाव जीता 96 में उत्तर प्रदेश के लिए। और वैसे भी देखा जाए जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है भगवान राम को, बाकी अभी मैं सारंगी जी को, माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उसके बाद मैं माननीय सांसद जी को, अपने त्रिपाठी जी को सुन रहा था, एक से एक विद्वान है। जब बातें होती हैं तब पता लगता है कि विद्वता की खान है सब। तो ये एक किस्म से आदमी कैसा व्यवहार करे, जीवन कैसा चलना चाहिए, उसके जीवन की कुंजी है। रामचंद्र जी का आचरण, उनका चरित्र जितना भी है, और मर्यादाओं में किस तरह से रहना चाहिए। अगर मर्यादाएं भंग होती हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, एक एक चीज इसमें दिखाई है कि बचपन कैसा है, मातृत्व कैसा है, उसके बाद भ्रातृत्व कैसा है। भरत जी कह रहे हैं भाई साहब ये तो अनर्थ हो गया, आप घर चलिए, आपको माता जी ने वन भेज दिया। वो कह रहे भैया ये तो आज्ञा का पालन हो जाएगा। कुर्सी को फुटबॉल की तरफ से दोनों भाई फेंक रहे इधर से उधर, अंत में भरत जी कह रहे खड़ाऊं दे दे, दे दीजिए भाई साहब खड़ाऊं दे दीजिए, मैं उसी को रखकर पूजन करूंगा। बताइए कैसा भ्रातृत्व और कैसा युग होगा। आज तो एक मुट्ठी जमीन के लिए कितनी हत्याएं हो जाती हैं।
कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना भ्रातृत्व, क्या क्या नहीं था। और एक एक चीज नीति की दिखाई है कि राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए। यह हम पर भी लागू होता है, चाहे हम मंत्री हों, विधायक हों या फिर सांसद हों, जनप्रतिनिधि कोई हो, सभापति से लेकर सांसद तक, सब पर यह लागू होता है कि हम लोगों को किस तरह से प्रभु राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कहीं कोई कलंक का टीका हम पर अकारण भी लगता है, असत्य भी लगता है, तो उदाहरण पेश किया था भगवान राम ने, आप सब उसको जानते हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये जानते हुए भी सीता माता बहुत पवित्र हैं। तो ये एक राजनीतिक जीवन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आदर्श है। किसी को देख लीजिए, गृहस्थ के लिए कैसी गृहस्थी होना चाहिए, पतिव्रता नारी कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए, पुत्रों का शोक कैसा होता है, दशरथ जी को अंत समय में कैसा प्रतीत हुआ आप सब जानते हैं, भ्रातृत्व क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। और यदि कोई व्यक्ति आचरण से गलत व्यवहार करता है, विद्वान होते हुए भी गलत राह पर भटक जाता है, तो उसका अंत होता है। ज्ञानी विज्ञानी क्या नहीं था रावण, सारी चीजों का, सारी चीज जानने वाला रावण, उसको कई जगह आज भी दक्षिण भारत में पूछते हैं, इतना विद्वान था। चूंकि विद्वता जो थी वो, जैसे हमारे वहां कहते हैं, माया मोह लोभ जितनी भी चीजें थी, दंभ पाखंड छद्म, इन चीजों ने घेर लिया था। ये चीजों ने जब घेर लिया था तो उनकी विद्वता के आगे धूल जम गई थी, विद्वता खत्म हो गई सारी चीज। कहते हैं कि रावण के बराबर 10 महाविद्या का विद्वान कोई था ही नहीं, लेकिन उनके कर्मों ने, उनके दंभ ने, उनके अहंकार ने, उनके सारे जो गलत काम उन्होंने किए हैं, उसकी वजह से सारी चीजें समाप्त हो गई। और कैसी अच्छी बात बताई है, प्रभु जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है। विप्र धेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, ये रामायण में कहा गया है। अब इसके अगर एक एक बात को हम देखें, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, कितना अच्छा है। आप धन मत मांगिए, दौलत मत मांगिए, बस प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सुमति दे दो, संपत्ति तो खुद ही आनी है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। और इसके बाद अगर कोई गलत आदमी है, अगर आप गलत आदमी से व्यवहार करते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, ये भी कहा गया है। अगर दुष्ट के साथ आप विनय करेंगे, कुटिल के साथ आप प्रेम करेंगे, तो नहीं नहीं चल पाएगा, सठे साठ्यम समाचरित करना पड़ेगा। एक एक चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आदर्श जीवन को कैसे व्यतीत मनुष्य कर सकता है, इसके लिए सारा ये ग्रंथ, मर्यादित ग्रंथ रामायण का हमारे सामने है। मैं अधिक न बोलते हुए, क्योंकि विद्वान हमारे मंत्री जी ने, हमारे विद्वान सांसद महोदय ने सारी चीज बता दी है, मैं इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा कि हम इसको पहुंचाएं कैसे, क्योंकि डिजिटल रामलीला हम दिखा रहे हैं, किस तरह से हम एडवर्टाइज करेंगे, किस तरह से हम नवरात्र के दिनों में लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा घर उस समय नवरात्र में सब लोगों का जगमगाता है, हम लोग नवरात्रे लेते हैं, उस समय एक आध्यात्मिक ओज और शक्ति से सारे हम लोग ओत प्रोत रहते हैं, एक बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, क्योंकि रामलीलाएं होती हैं, शाम को मंचन होता है। तो ऐसे में हम इसका समय और इसको दिखाने का तरीका, लोगों में अधिकाधिक हम इसकी भागीदारी करें, इसको किस तरह से कर सकते हैं, इस ओर अधिक ध्यान देना है। मेरी तो कोशिश ये है कि मैं इसको अपने राज्य उत्तराखंड में अधिकतम लोगों के पास पहुंचाऊं, जितने ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप के, सारे ग्रुप में हम इसको भेजें, फेसबुक पर भेजने का प्रयास करेंगे, और अपनी पार्टी का जो ऑथेंटिक हमारा एक फोरम होता है इसके लिए, सभी जगह होता है हर प्रदेश में, उनसे भी अनुरोध करेंगे। व्यापारी ग्रुप बने हुए हैं, कर्मचारियों के ग्रुप बने हुए हैं, अधिकारियों के ग्रुप बने हैं, एडवोकेट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, और भी कई लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं,
और जो कामकाजी हमारी बहनें हैं उनके ग्रुप्स बने हुए हैं कई जगहों पर, विभिन्न कामों में शिक्षकों के ग्रुप्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, इंजीनियर्स के ग्रुप्स हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर जो जितने भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और फेसबुक पर हमारे लोग हैं दर्शक, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इससे एक बहुत जबरदस्त क्रांति आने वाली है। जो आपने ये सोचा, प्रभु ने वैसे सोच कैसे दिया, आपको ये सोच कैसे आया, ये भी एक सुमति है। जो मैं कह रहा था, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, ये सुमति आई है। नमो जो मंत्र ऐप चलाते हैं आप, ये कैसे विचार आया कि हम रामलीला करनी चाहिए, कितनी बड़ी बात है। और चीज तो आप ले ही रहे हैं समाज की, पर ये डिजिटल रामलीला दिखाएंगे, इसमें ये कोई छोटा विचार नहीं है, ये भी प्रभु राम की कृपा आप पर है। बिना कृपा के तो कुछ उनके हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए आपको बहुत हृदय की गहराई से बधाई देता हूं और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने राज्य में और अपने मित्रों में और जितने मेरे ग्रुप्स जानने वाले हैं उनमें अधिकतम 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हमारी जनसंख्या है, तो पूरी की पूरी जनसंख्या में कम से कम हम उसके नहीं भी जा पाए तो 80-85% तक लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, संत जनों के श्री चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं। धन्यवाद। बड़े भाई आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, बहुत बहुत आपका हृदय से साधुवाद कि आपने किंदे सुंदर तरीके से एक जिम्मेदारी भरे शब्दों में कैसे इसको 1 करोड़ और मैक्सिमम तक हम पहुंचा सकते हैं सीधे शब्द